हेलो गाइस, आज वीडियो में रिव्यू करने वाले इंदुले का हेयर ऑयल का। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस ऑयल को यूज़ करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या सच में ये ऑयल आपके न्यू हेयर ग्रो कर पाएगा या नहीं, और आपको इस ऑयल को कब और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। आज इस ऑयल के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंदुले का हेयर ऑयल हमें यहाँ पर इस तरीके बॉक्स में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये इंदुले का हेयर ऑयल किस तरीके बोतल के साथ में आता है। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसे ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंदुले का हेयर ऑयल हमें यहाँ पर इस तरीके बोतल के साथ में देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस, इस ऑयल के प्राइस और क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इस ऑयल के बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास आज 50 ml का पैक है और इसका प्राइस है 234 रुपये, और ये ऑयल आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इस ऑयल के बेनिफिट्स की। इस ऑयल को लगाने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सर में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा है, आपको काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में ऑयल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये ऑयल आपके सर से डैंड्रफ को बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म कर देता है। गाइज, बात करें इस ऑयल की और बेनिफिट की, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते और झड़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी आप इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल आपकी बालों की जड़ों को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना देता है, जिससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। गाइज, इस ऑयल के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या ये ऑयल आपके सफ़ेद बालों को काला कर देता है। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके हेयर पहले से ही वाइट हो चुके हैं और आप सोचते हैं कि इस ऑयल को लगाने से ये ऑयल आपके वाइट हेयर को ब्लैक कर देगा, सो गाइज मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूं कि एज से पहले ही जो आपके ब्लैक हेयर वाइट होने वाले होते हैं, तो ये ऑयल आपके उन हेयर को वाइट होने से भी बचाता है। गाइज, इस ऑयल के बारे में ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, क्या ये ऑयल आपके न्यू हेयर ग्रो कर पाता है या नहीं, मतलब कि क्या ये ऑयल आपके नए बाल उगाता है। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूं कि मेरे फ्रेंड ने इस ऑयल को पर्सनली खुद यूज़ किया है। मेरे फ्रेंड के हेयर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके थे और मेरे फ्रेंड ने इस ऑयल को कंटिन्यू 5 से 6 महीने तक यूज़ किया, लेकिन ये ऑयल मेरे फ्रेंड के 1% न्यू हेयर ग्रो नहीं कर पाया था। गाइज, अगर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है, सो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये ऑयल आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये ऑयल आपके बिल्कुल भी न्यू हेयर ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आप ये जानकर भी इस ऑयल को न्यू हेयर ग्रो करने के लिए यूज़ में लेना चाहते हो, सो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप अपनी मनी वेस्ट करने वाले हो। तो गाइज, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम है या आपके सर में डैंड्रफ हो रखा है, तो आपको उसी कंडीशन में इस ऑयल को यूज़ करना चाहिए। गाइज, अब बात आती है इस ऑयल की साइड इफेक्ट की। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि ये ऑयल 100% नेचुरल चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए आपको इस ऑयल के कुछ भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। गाइज, अब बात करते हैं इस ऑयल को यूज़ करने के तरीके के बारे में। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि आप इस ऑयल को मॉर्निंग में या फिर नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। गाइज, मैं आपको बता दूं कि आपको इस ऑयल को वीक में 3 से 4 बार ही यूज़ करना चाहिए। अब बात आती है कि आपको इस ऑयल का रिजल्ट कितने दिनों के बाद देखने को मिलेगा। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि आपको कंटिन्यू आपको इसे 2 महीने तक यूज़ करना होगा, तभी आपको इस ऑयल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। गाइज, आपको इस ऑयल के बारे में और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।